जुड़े क्या करने जाएंगे? चुप हो जाओ। आजाद समाज पार्टी लगातार जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश या देश भर में सरकारों द्वारा जो अन्याय किसानों के साथ, मेहनतकश लोगों के साथ और जो हक वंचित समाज है उनके साथ जो किया जा रहा है, कोई ऐसा संघर्ष नहीं जहां आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के लोग उनका साथ नहीं देते। जैसे जैसे काम जनता की मदद हो रही है वैसे वैसे लोगों की आस्था मजबूत हो रही है। आज हमारे साथ यहाँ पश्चिम के बड़े नेता के रूप में जिन्होंने जब 2013 का इतना बड़ा दंगा जानबूझ के कराया गया राजनीतिक स्वार्थ में, उस पूरी लड़ाई के बाद जिनके ऊपर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि यहाँ आपसी भाईचारा बने और जो पहचान है पश्चिम की वो बनी रहे, भाई विपिन बालियान जी और उनके तमाम साथी, उन्होंने आज आजाद समाज पार्टी में आस्था व्यक्त की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे उनके जैसे सम्मानित मजबूत नेता हमारी पार्टी जुड़ेंगे ऐसे ऐसे पार्टी पश्चिम में और मजबूत होती जाए। शेखर भाई, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या भूमिका रहेगी? लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के विधानसभा चुनाव हैं 5 स्टेट और मैं अभी तेलंगाना से लौटता हूँ। हमारा लगातार प्रयास ये चल रहा है कि जो 2023 के विधानसभा चुनाव हैं उनमें आजाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करें। जैसा हमारा मजबूत संगठन यहाँ पर है ऐसा ही हमारा मजबूत संगठन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी है। तो अभी 2023 पे हमारी पार्टी और हमारे सम्मानित नेतागण ज़्यादा काम कर रहे हैं। 24 का चुनाव भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और उसके बाद आने वाले जो भी चुनाव हैं आजाद समाज पार्टी प्रत्येक चुनाव में मजबूती से जो है चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हिंसा हो रही है उस पर क्या कहेंगे आप? ये देश का, क्योंकि मैं भाग्य दुर्भाग्य में भरोसा नहीं रखता लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, जिन बातों के साथ दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि हम एक के बदले 10 ऋण लाएंगे, ये तो बाहर की बात है। मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूँ कि जिस तरह से मीडिया प्रचारित प्रसारित कर दी है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, भारत जिस तरह जल रहा है, भारत का एक प्रदेश मणिपुर, एक शब्द कहने के लिए प्रधानमंत्री में नहीं है, ना लोकसभा में जाके विपक्ष का सामना कर पा रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है कि उनको चुनाव लड़ना है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए ये पश्चिम है, पूरा देश ही हमेशा से खड़ा रहा। हमारी सभ्यता और पहचान है कि यहाँ देवियों की तरह बहन बेटियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, उनके सम्मान में तमाम तरह के बलिदान दिए जाते हैं, भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। लेकिन बुरा ये है कि आज की सरकारों को बहन बेटियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा किस तरह से महिला पहलवानों का अपमान हुआ, तब भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से उत्तर प्रदेश में हाथरस का अपमान हुआ, उस पर भी सरकार के लोग चुप थे। किस तरह से दिल्ली का अपमान हुआ, उस पर भी सरकार के लोग चुप थे। जब भी बीजेपी के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग अपराध में शामिल होते हैं या उनके द्वारा कानून का जो है मजाक उड़ा जाता है, हमेशा बीजेपी के लोग चुप होते हैं। ये चरित्र जनता देख रही है और जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जिनको हमने ये सोचा था कि रक्षा करेंगे, ये जिनके लोग ही आज जो है गरीबों की जान लेने पर तुल गए हैं, प्रदेश जल रहे हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। इसका मतलब वो मणिपुर छोड़ो, जब किसी भी प्रदेश में किसी बहन बेटी को न्याय नहीं दिला पाएंगे ऐसा महसूस होगा। चंद्रशेखर जी, आपने सपा और रालोद का गठबंधन था लेकिन उन दोनों में आपस में इस बार तालमेल नहीं मिल रही है, क्या कहेंगे इसमें? कहीं ना कहीं गठबंधन टूट रहा है 2024 को लेकर। आप दोनों पार्टी में से किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता नहीं, आपको क्या पता है कि टूट रहा है जुड़ रहा है? क्योंकि जिस तरह से भाई मुझे, मेरे दोनों साथी मुझे अभी तक किसने नहीं बताया कि टूट रहा है जुड़ रहा है। तो ये सब बातें राजनीतिक बातें राजनीतिक नेताओं को पता होती है, मुझे तो बताया नहीं भाई, मैं तो उनका सहयोगी हूँ, आपको बताया अलग। जिस तरह से खबर चल रही है, खबर तो मीडिया के लोग, खबर तो मीडिया के लोग चलाते हैं, खबर कोई नेता थोड़े चलाता है, आप कुछ ही चला दो चाहे। अभी हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी मजबूती से अपने चुनाव की तैयारी कर रही है, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में आज कुछ भी कहना संभव नहीं है। वो 26 के 26 दल में से कुछ लोग रुकेंगे या चले जाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जाता, लोगों के बहुत सारे अपने अपने इश्यूज हैं और हमारी पार्टी अगर किसी भी अलायंस में जाएगी तो उसके अपने मुद्दे, चाहे वो हक वंचित समाज के हों या किसानों के। आप मुझे बताओ क्या MSP की गारंटी देश भर में सभी सरकारें दे रही हैं? क्या किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है या जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, ये महंगाई बढ़ रही है कहाँ, जहाँ सब जगह विपक्षी सरकारें क्या वो कर पा रही हैं? तो हमारे मुद्दे हैं, हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, यहाँ की जनता के लिए खुशहाली चाहते हैं, उन तमाम मुद्दों पे जिससे भी बात होगी उनके साथ जो है पार्टी अलायंस के बारे में सोचेगी।